हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रश्मिका मंदाना की बायोग्राफी के बारे में। रश्मिका मंदाना अपनी स्माइल और अपने रोल के लिए आज पूरे देश में जाना माना नाम बन चुका है। वे आज की दुनिया में अपनी पहचान के लिए किसी की मोहताज नहीं है। रश्मिका मंदाना आज की दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए भी पहचानी जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रश्मिका मंदाना की बायोग्राफी एवं पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें लोगों द्वारा कर्नाटक में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। रश्मिका मंदाना की गिनती न सिर्फ साउथ बल्कि हिंदी सिनेमा के भी टॉप एक्टर्स में होती है। साउथ में एक के बाद कई सफल फिल्में देने के बाद रश्मिका बॉलीवुड के दर्शकों को अपना दीवाना बना रही हैं। बीते साल रश्मिका संदीप रेड्डी बागा की फिल्म एनिमल में नजर आई थी। फिल्म में रश्मिका रणबीर कपूर के अपोजिट नजर आई थी, लेकिन रश्मिका के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। चलिए आपको अभिनेत्री के फिल्मी सफर के बारे में बताते हैं। यदि आप रश्मिका मंदाना के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। रश्मिका के पिता का उनके शहर में ही एक छोटा बिजनेस था। एक समय ऐसा भी था जब रश्मिका के परिवार के पास उनके लिए खिलौने खरीदने के भी पैसे नहीं थे। घर का किराया देने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। रश्मिका का बचपन गरीबी और काफी संघर्ष में बीता था। एक साक्षात्कार में रश्मिका ने बताया था कि जब उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा तो उनकी फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला था। फिल्मों में अभिनय को वे पर्दों का क्षेत्र मानते थे। हालांकि बाद में रश्मिका ने अपने माता पिता को समझाया और फिर वे मान गए। आज रश्मिका के इस फैसले को लेकर उनके माता पिता को बेटी पर खूब गर्व महसूस होता है। रश्मिका ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2016 में कन्नड़ फिल्म त्रिकफाटी से किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद रश्मिका ने साल 2018 में चालो फिल्म के साथ अपना तेलुगु डेब्यू किया और उसी साल उन्होंने रोम कॉम फिल्म गीता गोविंदम में अभिनय किया। गीता गोविंदम तेलुगु सिनेमा में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिससे रश्मिका को खूब लोकप्रियता भी मिली। इसके बाद अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा ने रश्मिका के करियर को और ऊंचाई दे दी। साउथ सिनेमा में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद रश्मिका को बॉलीवुड में दर्शकों का प्यार मिलना शुरू हो गया। उन्होंने फिल्म गुडबाय से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। के बाद वे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में नजर आई थी। साल 2023 में फिल्म एनिमल में उनके किरदार को खूब सारा प्यार मिला। अपने 8 साल के करियर में रश्मिका इंडस्ट्री की सबसे अधिक फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हैं। दोस्तों, यही थी रश्मिका मंदाना की बायोग्राफी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।